हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते हैं आप तो अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आप देखोगे अगले 10 क्वेश्चन का सलूशन। पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उसका वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा इसको। यहाँ पर गिवेन है कि एक्स का फाइव बाई नाइन का मतलब क्या है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू फाइव बाई नाइन, माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख दिया, 9/4 का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 कह रहा है, इक्वल में क्या है माइनस का 4/5 है। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, तो या तो आप एक्स की वैल्यू उठा के ऑप्शन से रखो यहाँ पर, फिर इसको लगाओ, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसे कर लो सॉल्व और सीधे निकाल लो वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 5x/9, इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 9/10। 9/10 माइनस का 4/5 गिवेन है, इसको मैं करूंगा इधर, इसको मैं इस साइड करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 9/10। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये यहाँ से हो जाएगा फिनिश, ये यहाँ से हो जाएगा फिनिश। अब करना है मुझे इसको सॉल्व, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये प्लस का आ जाएगा 9। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या बचेगा बोलो, 1/10। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बोलो यस। अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ से मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ 5x/9 बराबर में 1/10। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 50x/9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9/50। अब 5 से कर दो इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, अपॉन में कितना बचेगा 10, अपॉन में कितना बचेगा 10, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.18 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए 0.18 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसका सोल्यूशन समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दिया है, तो आप कहोगे सर 32 वेरी इजी है, इन दोनों को दिखाना है बराबर और निकालनी है वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो फटाफट हम करने वाले हैं इसको, तो आप भी इसको बना सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 4x - 3 बराबर में हो जाएगा 3x + 8, तो इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स बराबर कितना हो जाएगा 11, एक्स बराबर 11 आ गया, यहाँ रख दो तो हो जाएगा 12, 12 का क्यूब हो जाएगा कितना 1728। तो कहीं ना कहीं क्यूब आपको याद होने चाहिए, नहीं तो क्यूब निकालने की ट्रिक आपको समझाई गई है, आप उससे भी बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया है, एक्स माइनस वाई बताना है, एक्स माइनस वाई की बताना है आपको वैल्यू, जबकि आपके पास क्या दिया है 2x + 3y = 0 और 3x - 4y = 34। तो दोनों जगह पर x और xy की वैल्यू अलग अलग है, तो मुझे करना पड़ेगा इसको बराबर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 3 से, क्योंकि मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी, x की। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 4 × 2 = 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 3 = 12y और बराबर में कितना 0 ही रहेगा। लेकिन इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस से कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12y बराबर में हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 = 10। इसको करूंगा सॉल्व तो मुझे करना पड़ेगा प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा मेरे पास 17x, 9 × 8 कितना हो गया 17x बराबर कितना हो जाएगा 102। अगर आपको टेबल याद है तो स्पीड बढ़ेगी, 17 छक्का होता है 102, x बराबर कितना हो गया 6। अगर x बराबर 6 है तो मैं किसी में भी x की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 हो जाएगा और प्लस से कितना हो जाएगा 3y बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो 3y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 12, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 4, वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 4। वैल्यू किसकी बतानी है हमको, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू बता दो, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 + 4, वैल्यू आ जाएगी कितनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना था यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो मुझे दिया है x प्लस वाई बराबर इतना, एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो आप इसको बना सकते हो, ये सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ये हो गया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये दिया है, प्लस का हो जाएगा 2xy,
ये हो जाएगा मेरे पास 100, 100 माइनस 68 बराबर में हो जाएगा 2xy, माइनस कर दो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 34, 34, 68, 100 होता है, 2xy और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो मैं एक बार करूँगा क्रॉस चेक, x प्लस y की वैल्यू दी है कितनी 100, 10 का स्क्वायर दिया है 100, तो ये हो गया हमारे पास 100 हो गया, ये हो गया हमारे पास 100, x और x 10 का स्क्वायर हो गया 100, और x प्लस वाई का स्क्वायर दिया है 68 रख दिया, माइनस करो यहाँ पर आएगा, अच्छा गलती हो गई माइनस करने में क्योंकि मैं हो गया थोड़ा जल्दबाजी में। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, फिर से इसको समझेंगे एक बार, माइनस करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, 32 बचेगा भाई 32, तो ये आ जाएगा 2xy, तो काटने पे क्या आएगा 16, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। क्लियर है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35, फिर वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू दी है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का 2ab आएगा, तो माइनस का 2 इंटू में कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा प्लस का 90 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसी की वैल्यू बतानी है, जोड़ दो 9, 6, 15, 154 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 36 और आपको हम समझाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या दिया है आपके पास, यहाँ दिया है कि इसका आपको बताना है मान, डिवाइड बाई करना है 2, तो ऊपर अगर आप 2 कॉमन कर दो तो क्या बचेगा बोलो, तो आप कहोगे सर 2a स्क्वायर बचेगा, प्लस का हो जाएगा 4b और प्लस का हो जाएगा 7c और प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि अपॉन में 2 था तो 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यही आंसर आ जाएगा, प्लस का 1 आना चाहिए लास्ट में, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसका, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना होगा 145। अब या तो आप सवाल लगा लो या तो आप वर्ग निकाल के जोड़ लो, जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया है 8 और 9, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और 9 का स्क्वायर कितना 81, जोड़ के देखो कि 8, 6, 14 145 आ रहा है, और किसी का नहीं आएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। दूसरा तरीका, दो क्रमागत नंबर है और आप जानते हो दो क्रमागत नंबर कैसे बनाए जाते हैं, क्रमागत नंबर जो होते हैं वो 1, 1 के डिफरेंस पे होते हैं, तो मैं अगर नंबर बनाऊं तो एक नंबर हो जाएगा x और अगला नंबर हो जाएगा x प्लस 1, ये दोनों का स्क्वायर करके मुझे दिखाना है किसके बराबर 145 के बराबर, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि 2b का स्क्वायर 1 आएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 2x बराबर कितना हो गया 144। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो इसको लगाने में कहीं ना कहीं होगी आपको तकलीफ, क्योंकि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये आएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा 144। अब इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उससे अच्छा था कि आप ऑप्शन से बना लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ऑप्शन से खेलना जानते हो, अगर आप ऑप्शन से खेलना नहीं जानते हो तो भाई सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने के लिए आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि इसके पहले था क्वेश्चन नंबर 37। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 की हम यहां पर करेंगे बात, कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा 12 माइनस 6x बराबर में दिया है 4x माइनस प्लस, हम करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस का 6x बराबर में 4x प्लस का 2, इसी को करना है सॉल्व, कर दो सॉल्व, ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 10x, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10, कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आ गया बोलो 1, तो x बराबर 1 है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में, फिर वही बात आई कि ये दोनों हैं आपस में बराबर, तो वैल्यू क्या आएगी, तो 15 माइनस का 7x और बराबर में हो जाएगा 15x प्लस का हो जाएगा 7, ये 15 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 22x, इसको मैं इस साइड ले गया, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा 22, ये भी हो जाएगा मेरे पास कितना 22 हो जाएगा, लेकिन इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 8, ये मेरे पास बचेगा 8,
ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये मेरे पास आ गया एक्स बराबर कितना आ गया 8 अपॉन में 22 का मतलब क्या है बोलो, 4 अपॉन में 11, प्लस का ही आएगा आंसर नंबर डी सही होगा, प्लस का ही आएगा आंसर नंबर डी होगा इसका सही। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर भी क्या बताया गया है, दोनों को बताया गया है बराबर, दोनों को बताया गया है बराबर, आप फिर एक्स की वैल्यू निकालो एक बार, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बटे में वैल्यू आ रही होगी तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ 11x प्लस का 7 बराबर 17x माइनस का 1। तो देखो ये इधर ले जाएंगे तो बचेगा मेरे पास माइनस का, या इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा मेरे पास 6x, और उसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और ये 4/3 कहीं ना कहीं बटे में आपको था तो आंसर नहीं दे पाया। यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये जब इधर जाएगा इसको हम करेंगे इधर तो 17 से 11 निकल जाएगा, क्या बचेगा 6x बचेगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 4/3, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में देख लेना 4/3 जरूर दिया होगा। ठीक है तो इसमें बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।